अविनाश सर, ओएनजीसी कैसा दिख रहा है? देखिए ओएनजीसी में तो हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से क्रूड की कीमतें बढ़ रही है, अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए काफी अच्छी बात है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर क्रूड की कीमत 115 और $116 के बीच में अगले 1-2-3 महीने के लिए रहती है, तो जून का क्वार्टर तो इनका काफी अच्छा आएगा, क्योंकि क्रूड का भाव जो है वो काफी ऊपरी लेवल से एलिवेटेड हो चुका है। यहाँ पे करीबन 170-175 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे थोड़ा सा एक पोजिशन बनाई जा सकती है। ठीक है सर, कुछ खबर भी आई थी ना सर, जो वाला कि क्या इंडियन कंपनी इसको दे सकते हैं या क्या है वो, उस पर आपकी कुछ जानकारी है सर? सरकार ने कुछ अलाउ किया है सर? नहीं, बट किस प्रकार का न्यूज फ्लो था मुझे एग्जैक्टली अगर आप बता दोगे तो हेल्प होगा। अच्छा, मेरे ख्याल से सर शायद वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जो इंडियन कंपनीज को या प्राइवेट कंपनीज को, इनफैक्ट रिफाइनरीज को, जो क्रूड है ये जो ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं अगर, तो वो बेच सकते हैं। ओएनजीसी उसमें प्लेयर होगा? नहीं, एक्चुअली देखिए ओएनजीसी का क्रूड तो बेसिकली ज्यादातर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए जाता है। जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो तो वैसे भी तेल बेसिकली ज्यादातर इंपोर्ट ही करती है, तो मेरे ख्याल से इससे कोई बड़ी पॉजिटिव ओएनजीसी को आएगी नहीं। ओएनजीसी को अगर बेनिफिट मिलता है बेचने का प्राइवेट सेक्टर को, तो वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगी, लेकिन ज्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो सरकारी कंपनी है वहां पे ओएनजीसी का ज्यादा पकड़ है। जी ठीक है, वो वैसे बेसिकली वो है कि ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। पहले शायद रेस्ट्रिक्शन था कि वो केवल गवर्नमेंट कंपनीज को ही बेच सकते थे, अब ये ओपन मार्केट में भी बेच सकते हैं, रिफाइनरीज को बेच सकते हैं, तो वो है। ठीक है।